वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडे वाला सूजी का हलवा। अंडे वाले सूजी के हलवे को किस तरह फ्लफी बनाया जाता है और किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, आज हम आपके साथ तमाम टिप्स को शेयर करेंगे। अंडे वाला सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में आधा कप घी शामिल करेंगे। घी को हल्की आंच पर गरम करेंगे। अब इसमें आधा कप सूजी शामिल करेंगे। सूजी को हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। जब सूजी का कलर चेंज हो जाए तो इसमें आधा कप दूध शामिल करें। दूध को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। चूल्हे की आंच को स्लो ही रखें। अब इसमें आधी प्याली शक्कर शामिल करें। शक्कर को कम या ज्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। हलवे को शक्कर मेल्ट होने तक पकाते रहें। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करें। आधा चम्मच इलायची का पाउडर शामिल करें। इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं। चार मिनट के बाद हलवे में पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें 4 अदद अंडे फेंट कर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। अंडे वाले सूजी के हलवे को फ्लफी बनाने के लिए जरूरी है कि जब आप अंडा शामिल करें तो चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें ताकि हलवे में अंडे की गुठलियां ना बने। आप देख सकते हैं कि हलवे का टेक्सचर बहुत ही फ्लफी तैयार हुआ है। मज़ेदार अंडे वाला सूजी का हलवा तैयार है। अब इसे बादाम से गार्निश करें और डिश आउट करें। अंडे वाले सूजी के हलवे की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।